नमस्कार, मैं प्रवीण सर आपका एब्सोल्यूट स्पोकन इंग्लिश वर्धा में स्वागत करता हूँ। वीडियो बनाना मेरी मजबूरी है, पैसे होना अपने को इसलिए करना पड़ता है। वैसे आपकी मजबूरी क्या है? हर किसी की कुछ ना कुछ मजबूरी तो होती है, इसीलिए आज हम सीखने वाले हैं कि मजबूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं और मजबूरी की बातें इंग्लिश में कैसे की जाती है। तो चलो फिर बातें करते हैं मजबूरी की। तो मजबूरी के लिए इंग्लिश में आप कह सकते हैं कंपल्शन या कंस्टेंट। तो दोनों ही वर्ड का मतलब होता है मजबूरी। अब अगर आपको बोलना है कि ये मेरी मजबूरी है तो आप कहोगे इट इज़ माई कंपल्शन, या फिर आप कह सकते हैं इट इज़ माई कंस्टेंट। तो अगर आपको बोलना हो कि भाई सुबह जल्दी उठना मेरी मजबूरी है तो आप कहोगे इट इज़ माई कंपल्शन टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज आई हैव टू गो टू ऑफिस एट 9 AM। सुबह जल्दी उठना मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे सुबह 9 बजे ऑफिस जाना पड़ता है। आप कहे कि भाई कमाई करना, पैसे कमाना मेरी मजबूरी है, मेरे भरोसे घर है, तो आप कहोगे इट इज़ माई कंपल्शन टू अर्न मनी बिकॉज आई हैव टू मैनेज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। आई हैव टू मैनेज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मतलब मुझे घर चलाना पड़ता है, इसीलिए पैसे कमाना मेरी मजबूरी है, तो आप कहोगे इट इज़ माई कंपल्शन टू अर्न मनी। आप कह सकते हैं कि खाना पकाना उसकी मजबूरी है, तो आप कहेंगे इट इज़ हर कंपल्शन टू कुक। खाना पकाना उसकी मजबूरी है, इट इज़ हर कंपल्शन टू कुक। सब उसके भरोसे खाते हैं, उसके अलावा किसी को घर में खाना पकाना आता नहीं है। नो वन नोज हाउ टू कुक एट होम। किसी को भी घर में खाना पकाना आता नहीं है, इसीलिए खाना पकाना उसकी मजबूरी है, तो इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ हर कंपल्शन टू कुक। खाना पकाना उसकी मजबूरी है। इट इज़ हिज कंस्टेंट टू गो ऑन फुट। पैदल जाना उसकी मजबूरी है क्योंकि उसके पास गाड़ी नहीं है। ही डजेंट हैव अ बाइक मतलब उसके पास गाड़ी नहीं है, इसीलिए इट इज़ हिज कंस्टेंट टू गो ऑन फुट। पैदल जाना उसकी मजबूरी है। इट इज़ देयर कंस्टेंट टू वर्क ऑन संडे। संडे काम करना उनकी मजबूरी है क्योंकि बिकॉज दे नीड मोर मनी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए संडे काम करना उनकी मजबूरी है। तो इंग्लिश में कह सकते हैं इट इज़ देयर कंस्टेंट टू वर्क ऑन संडे। संडे काम करना उनकी मजबूरी है। तो अब तक हमने बात की कि ये मेरी मजबूरी है, ये उसकी मजबूरी है। अब उसी में बात करते हैं पास्ट की। अगर आपको बोलना है कि मेरी मजबूरी थी तो आप कहोगे इट वॉज माई कंपल्शन या इट वॉज माई कंस्टेंट। अब अगर बोलना है कि पैसे देना मेरी मजबूरी थी, इट वॉज माई कंपल्शन टू गिव मनी, या आप कहे इट वॉज माई कंस्टेंट टू गिव मनी, तो इट वॉज माई कंपल्शन टू गिव मनी बिकॉज गुंस हैड अ गन। पैसे देना मेरी मजबूरी थी, गुंडों के पास बंदूक थी। गुंस मतलब गुंडे, तो भैया मरता क्या मैं पैसे के लिए, इसीलिए भैया पैसे देना मेरी मजबूरी थी, तो आप कहोगे इट वॉज माई कंपल्शन टू गिव मनी बिकॉज गुंस हैड अ गन। पैसे देना मेरी मजबूरी थी क्योंकि गुंडों के पास बंदूक थी। इट वॉज हर कंस्टेंट टू क्विट अ जॉब बिकॉज हर फैमिली डिडंट लाइक द जॉब। नौकरी छोड़ना उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसके परिवार को नौकरी पसंद नहीं थी।
उसके परिवार ने कह दिया था, हमारे खानदान में औरतें काम नहीं करती, तो बेचारी क्या करती, इट वॉज हर कंस्टेंट टू क्विट अ जॉब, नौकरी छोड़ना उसकी मजबूरी थी बेचारी। झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी, इट वॉज माई कंपल्शन टू लाई, अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो उन्होंने मुझे उड़ा दिया होता। इसीलिए भैया झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी, इट वॉज माई कंपल्शन टू लाई, या फिर मैं कह सकता हूँ इट वॉज माई कंस्टेंट टू लाई, झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी। इट वॉज आर कंपल्शन टू हाइड द ट्रूथ, सच छुपाना हमारी मजबूरी थी, बिकॉज राम थ्रेटन टू किल अस, राम ने हमें जान से मारने की धमकी दी थी, उसने कहा था अगर तुमने सच बोला तो घर में घुस के उड़ा दूंगा। इसीलिए भैया सच छिपाना हमारी मजबूरी थी, इट वॉज आर कंपल्शन टू हाइड द ट्रूथ, बिकॉज राम थ्रेटन्ड टू किल अस, राम ने हमें जान से मारने की धमकी दी थी, इसीलिए सच छिपाना हमारी मजबूरी थी, इट वॉज आर कंपल्शन टू हाइड द ट्रूथ। और आपकी कोई मजबूरी नहीं है, इसीलिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर करने की कोई मजबूरी है क्या, नहीं है ना, तो फिर शेयर करो। गुड बाय।